क्वीन वो भी 14,000 में, शायद जी मैंने अभी जितने भी वीडियो बनाए सबसे कम रेट यहाँ पे मिला। हाँ सर 14,000 में मेल, 11,000 में फीमेल, पता वो भी डार्क गोल्डन रिट्रीवर एकदम कम से कम दाम में मिलेगा। अच्छा ब्लू आइज है, ये भी ब्लू आइज में है, ये पंच है, इगुआना कलर बहुत हटके है, कौन सा कलर है? लोटिनो में है, लोटिनो का एक लेग पैस है। अच्छा अच्छा ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये दूंगा ये फाइनल 65,000 बताओ। मैंने सुना है ये लाखों के भी ऊपर जाते हैं, ब्लू थ्रोटेड कनूज है, ब्लू थ्रोटेड है ना, हम ये टॉय स्नेक्स होते हैं एक्चुअली, आप इनको ये बोल सकते हैं पेस्टल बॉल पाइथन है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ एक ऐसे पेट शॉप पे जो पूरे नागपुर में सबसे सस्ती और सबसे टॉप क्वालिटी के डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें सेल करती है और एक्सेसरीज, फूड, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। मैंने पहले भी इधर वीडियो बनाया हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ पे इनके सर्विसेज होते हैं और हमेशा कस्टमर का फीडबैक हमेशा बेस्ट रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी आके क्योंकि यहाँ पे इनके शॉप के ओनर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं अंदर जाकर आपको मिलाऊंगा, बाकी मिलना चाहता हूँ सबसे पहले ये शॉप के, देख सकते हो ये शॉप, देखो आप ये शॉप इतनी बड़ी है, इतने दूर से देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ में देखो शॉप का नाम बताना चाहता हूँ, पेट्स एट होम है, तुलसी बाग रोड नियर गुजरात वाड़ा महाल नागपुर, ये इनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया है। और बहुत बड़ी यहाँ पे शॉप है, ठीक है, बहुत बड़ी। और अंदर में चल के सबसे पहले मैं यहाँ के ओनर से मिलना चाहता हूँ, ये शॉप के ओनर है जिनका नाम है अमित भैया, कैसे हो आप? बस अनिरुद्ध भैया एकदम बढ़िया, बताइए कैसे हो? मैं भी काफी अच्छा हूँ। और ये हमारा नया चैनल है तो नए चैनल में हम लेंगे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से। मेरा नाम अमित है, मेरा शॉप का नाम है पेट्स एट होम, ये है महल पे नागपुर में। ओके, कितने साल से आपकी शॉप है? ऑलमोस्ट हो गया सर इसको 20 इयर्स। 20 इयर्स में, 20 इयर्स में आज तक फीडबैक हमेशा अच्छा रहा है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है ना जी? बिल्कुल। और अभी तो मैंने सुन लिया कि आपने नागपुर में अभी एक्सोटिक पेट्स का भी शुरू करा है जी, जी है ना। और मुझे पता है कि आपके पेट्स और डॉग यानी जो भी है पेट्स वो एकदम कम से कम रेट में मिलते हैं और टॉप क्वालिटी में मिलते हैं, तो क्या एक्सोटिक पेट्स भी सेम होने वाला है? एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे लाइक डॉग्स आपको कम में मिलते थे, एक्सोटिक में भी मैं कम रेट्स जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं सबसे कम रेट्स लगाए, पूरे नागपुर में कहीं नहीं होगा जी, कहीं नहीं है, ये मेरी गारंटी। ओके, तो ये तो काफी अच्छा लगा। और बाकी आप शॉप देख सकते हो, शॉप का पूरा लुक ही बदल गया, अभी देखो पहले अलग थी अभी पूरी अलग है यहाँ पे शॉप, वाओ। और भी रेनोवेट नहीं हुआ है अभी, सेटअप होना बाकी, और भी होने वाला है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, हम एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉग से, तो ये वाला वीडियो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंच बुलडॉग से, और फ्रेंच बुलडॉग देख सकते हो यहाँ पे दो अलग कलर में, कौन से कलर है सर? ये मर्ले क्वीन में आएगा, ये व्हाइट एंड ब्लैक में आएगा। ओके, और बोले कुछ इसके एडवांटेज बताओ, कुछ इसकी खासियत बताओ इस ब्रीड के बारे में। नहीं, ऐसा चाहिए जैसे टॉय ब्रीड है, जैसे घर में किसी को छोटी ब्रीड चाहिए और बुलडॉग में चाहिए तो आप इसको प्रिफर कर सकते हो। ओके, और बच्चों के लिए तो बेस्ट ही है क्योंकि छोटी है और बहुत प्लेफुल होते हैं, बहुत एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है। और अगर किसी को थोड़ा सा इन्हें लाइक छोटी ब्रीड में होना और थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस भी होना तो आप फ्रेंच के लिए जा सकते हैं। अच्छा, गार्डिंग भी कर लेते क्या? अच्छा, और इतने एक्टिव रहते कि अपन थक जाएंगे पर ये नहीं थकते ना, बहुत बहुत खेलते हैं और बहुत एक्टिव होते देख सकते हो। और क्या एज क्यों ये बताओ? ये ऑलमोस्ट 2.5 महीने की फीमेल है, ये आपको मिलेगी 14,000 में, बता 14,000 में बता। हाँ, और ये आ जाएगा आपको 18,000 में मेल। अच्छा अच्छा बता, मर्ली क्वीन वो भी 14,000 में, शायद जी मैंने अभी जितने भी वीडियो बनाए सबसे कम रेट यहाँ पे मिला, बताओ बहुत सही है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि जैसे आपके पास पप्पी आते हैं फ्रेंच बुलडॉग के इसलिए जल्दी जाते होंगे, इसलिए हम आज तक कवर नहीं कर पाए रहे, वही 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 निकल जाते हैं, क्योंकि आते बार आपने कभी देखा नहीं क्योंकि रेट इतना कम होता है, कस्टमर सुनते बराबर ले लेते हैं वही। और क्वालिटी तो आपको मिलेगी बेस्ट, और जब तक डॉग रहेगा तब तक उनकी गारंटी रहेगी, मतलब लाइफ टाइम भी गारंटी रहेंगे सर। वो तो विद बिल हम आपको जो भी है ना 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी के साथ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और गाइड करेंगे तो आपको ही है ना। Exactly. और अभी हम देख रहे हैं गोल्डन रिट्रीवर, ये तो हमारे इंडिया में बहुत बहुत लोग रखते हैं, सबसे कॉमन और सबसे प्यारी ब्रीड, और एक्चुअली मुझे भी गोल्डन रिट्रीवर सबसे अच्छा लगा। ओके, अच्छा कोई कैसा है कि लैब्राडोर के ऊपर अगर जैसे कोई अगर जी हेरी कोट वाला बिल्कुल दिखने में अच्छा चाहिए, बिल्कुल अब सिक्योरिटी पर्पज भी उसको यूज में ला सकते हो, ला सकते हैं। आजकल मैंने सुना है कि लोग गार्डिंग में भी रखते हैं ना, वही 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 गार्डिंग के पर्पज से भी रखते हैं। हाँ हाँ, और ये कौन से कलर में है? गोल्डन में भी कलर है, गोल्डन है सब। ओके, कुछ डार्क रहते हैं कुछ नॉर्मल है, ये डार्क है क्या? अच्छा, डार्क ही बहुत चलते हैं आजकल वही। और सबसे पहले मैं वही पूछूंगा कि प्राइस क्या है? प्राइस सर 14,000 में मेल, 11,000 में फीमेल, पता वो भी डार्क गोल्डन रिट्रीवर एकदम कम से कम दाम में मिलेगा, सिर्फ 14,000 में ओनली, पर नागपुर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, पंजाब से मैंने स्पेशली बुलवाया है इनको। अच्छा अच्छा,
और इनकी ब्लड लाइन भी काफी अच्छी होंगी मजबूत। एग्जैक्टली, लेकिन सर ये विद पेपर्स नहीं है, विद पेपर्स नहीं है। आगे चल के अगर आपको कोई दूसरे ब्रीड में अगर केसीआई में चाहिए हो या फिर इसी ब्रीड में चाहिए हो, प्राइस थोड़ी ज्यादा रहेंगी लेकिन मिल जाएगा आपको वही। और क्या एज है इनके? ये अभी 32 डेज के है। और देखो यहाँ पे पॉज साइज देख लो, यहाँ पे कोट देख लो, कोट देखना पड़ता है, बहुत है ना जरूरी है गोल्डन कलर। हाँ वही, और ग्रूम कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, है ना? मेरे यहाँ पे ग्रूमिंग तो होता नहीं है, तो आपको जो कंडीशन में वही कंडीशन, लेकिन आप फिर भी देखिए कंडीशन टॉप क्वालिटी में। वही वही, नहीं नहीं मैं ये बोल रहा था कि ब्रीड, इस ब्रीड में अपन ग्रूम कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, लोग करते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। वही वही, और बाकी तो अपने कंडीशन पे है, अपने डाइट पे है कि कितना वो हेल्दी हो सकता है और कैसा वो डॉग आगे बन सकता है। वो तो डाइट पूरा मैं डाइट चार्ट दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको खिलाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट मैं पूरा बता देता हूँ। ओके, और ये तो हमारे इंडिया की बोल सकते हैं, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की बोल सकते हैं कि बेस्ट ब्रीड में से एक है, फेवरेट ब्रीड में से एक है। और डॉग शोज में भी जब आते हैं सबसे आखिर में रॉयल एंट्री मारते हैं जो कि है जर्मन शेफर्ड। देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोट में अवेलेबल है, ये डबल कोट्स में है सर, डबल कोट में अवेलेबल है बताओ। और जो कि यही डिमांड में चलता है, डबल कोट लॉन्ग कोट है, लॉन्ग कोट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मदर डबल कोट है, फादर लॉन्ग कोट है, अच्छा लेकिन बच्चे डबल कोट के ही नाम से मैं दूंगा, लॉन्ग कोट के नाम से नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो है वही बोलेगा अपन बिल्कुल, और जो लॉन्ग कट है वो लॉन्ग कोट ही बोलेंगे ना, तो कई बार होता है मार्केट में ये आ भी सकते हैं लॉन्ग कोट में, कोई गारंटी नहीं है, वो भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन कैसे मैं अगर लॉन्ग कोट बोल दूं और ये आएंगे डबल कोट, फिर वो ज्यादा गलत होता है ऐसा मार्केट में। पर अपन जो है वही देते हो, वही अश्योर करते हो कि कस्टमर के साथ कभी धोखा ना हो, है ना जी बिल्कुल। और बाकी देख सकते हो, और इनकी एज क्या है ये बताओ? ये अभी हो गया है सर 2 महीने 10 दिन के ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा, और मैं ये हाँ बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 70 डेज प्लस है ये। अच्छा अच्छा, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो ये ब्रीड पे जाओ। एक्चुअली इनके लिए थोड़ी सी जगह तो लगेगी आपको, इनको ये वर्किंग डॉग्स में आते हैं तो लाइक आपको इनको 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इनको वॉकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा मत करिए कि आपके पास छोटा घर है और आप टाइम नहीं दे पा रहे और आप ये ब्रीड को पाल रहे, ऐसा मत करो। आप घर बड़ा है तो देना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और घर बड़ा चाहिए या फिर स्पेस बड़ी चाहिए, आपके घर के सामने ग्राउंड रहे या कुछ भी चाहिए, exactly. तो बेटर रहेगा जर्मन शेफर्ड। और इससे अच्छी ब्रीड मेरे को तो नहीं पता, बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब भी मैंने सुना है कि जर्मन शेफर्ड के बारे में प्राइस बता दो। फिलहाल में तो फीमेल्स है मेरे पास में, ये आपको सिर्फ आ जाएंगी 8000 में। हाँ अच्छा, 8000 ओनली, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ 8000 में फीमेल। क्वालिटी तो आपको देखने को मिल ही रही है यहाँ पे देखो आप, और फेस ही आप देख लो ठीक है, और बड़े साइज का है ठीक है। और आपने क्या बताई इसकी एज? अभी 70 डेज के हिसाब से देखो आप, सही है ठीक है। जर्मन शेफर्ड लवर जो भी है सबसे पहले आप आइए और डायरेक्ट कॉल करिए। और अभी हमने 3 डॉग तो दिखा दिए, अभी कैसा है कि पेट शॉप में और भी बहुत सारे डॉग है, लेकिन कैसे एक शॉप में हमें बनाना है 20 मिनट का अंदर से वीडियो, तो हमने डॉग दिखा दिया, अभी हम दिखा रहे हैं कैट। देखो आप, ये है किटन, और यहाँ पे देखो आप फेसेस में अलग अलग अवेलेबल है। डॉल फेस बताओ, ये नॉर्मल आइज है, पंच फेस में है, देखो आप ये नॉर्मल नहीं ब्लू आइज है, अच्छा ब्लू आइज है, ये भी ब्लू आइज में है, ये पंच में है, पंच में ये देखिए अच्छे से एक बार आप अगर दिखाएंगे, अभी तो जस्ट खाना खाया तो मुंह पे लगा है उनके, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये सेमी पंच में है, सेमी पंच ग्रे कलर में, क्या सही है कलर। और ये गोल्डन में है, गोल्डन डॉल फेस में, डॉल फेस वाह बहुत सही। और पर्शियन किटन्स, और अपने पास बड़े कैट्स भी थे ना अपने पास? हाँ जी, बड़े अच्छा, बड़े कैट्स भी है क्या? अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, तो जैसे किटन्स है, किटन्स की हैवी डिमांड होती है क्योंकि लोग बचपन से ही पालना प्रेफर करते हैं। हाँ। तो इनकी किटन्स की प्राइस क्या अपने पास? सर मेरे पास स्टार्टिंग प्राइस जितने भी डॉल फेस है वो आपको आ जाएंगे 5000 में। हाँ। जितने भी सेमी पंच है वो आ जाएंगे आपको 6000 में। अच्छा। और फुल पंच जो पंच में है ये, हाँ ये पंच वाली आपको आ जाएगी 8000 में, ब्लू आईज में। ओके, ब्लू आईज और किट मिलेगा किटन, है ना? और यही अगर अपने पास एडल्ट्स में होगा तो भी प्राइस सेम होगी, सेम प्राइस में होती है। अच्छा ठीक है, ये तो फिर काफी अच्छी बात है। मेरे पास अभी जो 2 प्रेग्नेंट फीमेल्स है वो आपको आएगी 12000 में, तो काफी अच्छी बात है, मतलब उनके लिए तो एक लॉटरी जैसा ही हो गया कि किसी को अगर ब्रीडिंग का ब्रीडिंग करना है वो ले सकते हैं भी मिलती है। और जैसे पर्शियन कैट में कैलिको का भी बहुत डिमांड होती है, कैलिको भी है अभी, अभी नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, पर मिल जाएंगे आपको किटन्स तो अभी मेरे पास में 15-16 है। अच्छा बहुत सारे आपको दिखाने इसलिए आपने 3-4 देख लिया आपने, ठीक है। तो ये है, आपको कम से कम दाम में मिलेगा, अलग अलग फेसेस में मिलेगा, और अलग अलग ये डेज के भी है, तो छोटे है इसमें। अच्छा। थोड़े बड़े चाहिए, 45 डेज वाले भी है इसमें। अच्छा। आपको 70 डेज वाले चाहिए वो भी है। अच्छा अच्छा,
और आइज देखो आप, ब्लू आइज भी मिलेंगे, नॉर्मल आइज भी मिलेंगी, और आलमंड आइज के भी आते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सोटिक पेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है इगुआना, कलर बहुत हटके है, कौन सा कलर है? लोटिनो में है, लोटिनो कलर है, और कितना प्यार से बैठा है ना, वही बस दिखने में ऐसे लगते है पर बहुत प्यार है। इसके कलर अभी जैसे निकलेंगे ना, तो ये पूरा इसके शाइन, जो शाइन है वो वापस आएगा, बहुत ज्यादा शाइन करता है। अच्छा, और रेड आइज में है ना, रेड आइज में, वाह। और इससे भी बड़ा होता है क्या? हाँ सर, अभी तो ये बच्चा है ऑलमोस्ट, अच्छा, 2 साल का है। हाँ। और अभी ये 33-34 इंचेस का है। अच्छा अच्छा, और ये फुल साइज ऑलमोस्ट 5-6 फीट का पकड़ता है, 5-6 फीट। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा वो हो जाता है, ये तो काफी अच्छी बात है। कलर्स में भी इनमें काफी सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इसमें ग्रीन आता है, ब्लू आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, और मैंने सुना है कि एक्सोटिक पेट्स के लिए मतलब एक अलग उनके पेपर रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, परिवेश पेपर, ओके, तो उनके साथ में मिलेगा ना आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हो एक बार, क्या इसका हम प्राइस रिवील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते, कर सकते हैं क्या? ओके, प्राइसेस का जो है क्लियर, ये रहता है जो भी देना है वो क्लियर प्राइसेस है। अच्छा, ये 40,000 में मैं आपको दे दूंगा, 40,000 में। ओके, मेल की फीमेल? ये फीमेल है, फीमेल होता है, बिल्कुल घर पे रखने के लिए अच्छा है, क्योंकि सर ये एकदम काम नेचर के होते हैं, जो लुटिनो जितने भी इगुआनास आपको रहेंगे ये बहुत काम रहेंगे, बहुत शांत रहेंगे। हाँ। और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है, क्या खाते हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिन में एक ही बार देता हूँ उसको, या तो सांबार, कभी कद्दू, हमेशा अलग अलग वेजेस देते रहता हूँ। ओके, मतलब और बहुत प्यार से खाता है, और बहुत यानी इसके पीछे मुझे हेडेक नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, ज्यादा मतलब अपने को इतना टाइम नहीं देना, टाइम नहीं देना पड़ेगा। और बहुत हो गया तो 1,000 के अंदर आ जाएगा खर्चा महीने का, महीने भर का 1,000 से भी कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ सब्जियां, घर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ओके, और जैसे आपका मतलब मोटिव यही रहता है कि कम से कम दाम में लोगों का शौक बढ़े, तो अभी एक्सोटिक का शौक, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको शायद पूरे नागपुर में देखना मिलेगा, तो आपकी बस कोशिश यही है कि नागपुर में शौक बढ़े, एक्सोटिक का शौक बढ़े, इसलिए आप लगाया है ना। तो अभिजीत भैया ने भी बढ़ाया है, ऐसा नहीं है, हमारे अभिजीत भैया जो है उन्होंने भी शौक बढ़ाया है, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि अब इस साइड का अभिजीत भैया ने उस साइड का बढ़ाया, हम भी थोड़ा सा बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल आई होप कि शौक बढ़े आपके माध्यम से। अभी हमने देख लिया इगुआना, अब हम देखेंगे एक और चीज। ये सब चीजों में मुझे अभिजीत भैया ने बहुत हेल्प की है, यानी जैसा कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता था एक्सोटिक में, तो उनसे मैं सलाह ले लेके उनसे पूछता हूँ, तो वो मुझे पूरी आइडिया देते हैं। इनफैक्ट फूड कभी कभी मैं नहीं ला पाता हूँ तो उनसे ले लेता हूँ। अच्छा। बहुत सी चीज यानी ये अभिजीत भैया के थ्रू मुझे बहुत सारी हेल्प हुई है। बिल्कुल अच्छा है, और इसी इंडस्ट्री में सब साथ में मिलकर रहे, यही मेरे लिए अच्छी बात है। देख रहे हैं हम बॉल पायथन, ठीक है, बॉल पायथन देखो आप, और ये कैसा है कि ये भी है, मतलब कैसा डेंजर दिखने में है पर है नहीं, ठीक है, बाकी हिसाब से आप कंपैरिजन करो ही मत, क्योंकि ये होते हैं बहुत फ्रेंडली, ये एकदम ये टॉय स्नेक्स होते हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनको ये बोल सकते हैं पेस्टल बॉल पायथन है। बिल्कुल, जब इनका मूड आएगा करेंगे इनको खेलने के लिए, तो ये बराबर अपने पास आते हैं। हाँ। अपने पास में आके बैठेंगे, ये भी जैसे खेल रहा है, नहीं तो एक बॉल बन जाता है। एक्चुअली बॉल पायथन बोला ही इसलिए जाता है कि ये बॉल बन जाते हैं, बॉल बन जाते हैं बोलते हैं। अच्छा, और इनकी हाइट कितनी होती है, कितने लंबे हो सकते हैं, कितने बड़े? सर ये मैक्सिमम ये फीमेल है, ये 6 फीट की होगी मैक्स, तो 6 फीट की होगी, बता 6 फीट की, ठीक है ना। और ये भी विद पेपर ही आते हैं। हाँ जी। और ये सबसे मेन बात, ये इंडिया में लीगल होते हैं। हाँ, तो किसी के मन में ऐसा डाउट होगा कि इलीगल तो नहीं है? एक्चुअली क्या होता है, अजगर भी इनके जैसे ही दिखता है। अच्छा अच्छा, तो लोगों को डाउट रहता है कि अजगर है या ये है, ये बॉल पाइथन से। अच्छा अच्छा, और ये लीगल होते हैं अपने इंडिया में, तो आप इनको पाल सकते हो, और बेस्ट है। और क्या है इनकी प्राइस, ये बताओ सर? ये भी मैं आपको दे दूंगा 40,000 में, 40,000 में बॉल पाइथन क्या? अच्छा, वो भी पेस्टल बॉल पाइथन ही है। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हो कलर्स आएंगे बहुत सारे। अब इसके प्राइसेस कहीं पे भी चेक कर लीजिए। हाँ देखो आप, और बहुत कम में मिलेंगे आपको, है ना। और सर इसका साइज भी देख लीजिए आप, साइज भी देखो आप, देखो पूरे उन्होंने हाथ पे पूरा अपना गुंडल दिया, देखो पूरा पाइथन जैसा वही। बस ये है कि ये फ्रेंडली होते हैं, ये फ्रेंडली होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। देखो आप, एक छोटा सा बच्चा भी इनको हैंडल कर सकता है। हाँ, और जैसे देखो मैंने इस सांप को मैंने कभी मतलब इनसे मिला नहीं, और मैं भी अगर हाथ में पकड़ूंगा तो मुझे भी कुछ करना है ना? सर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ये देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। बस इसको भी आप पालिए, इसका भी शौक बढ़ा है इंडिया में, है ना सर? एक्चुअली एक्सोटिक का शौक बढ़े वही तो हम लोग चाहते हैं। नाम है शुगर ग्लाइडर, ये शुगर ग्लाइडर इसलिए है क्योंकि ये फ्लाई करता है ना? जी फ्लाई करता है, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो आप, ये लूसी शुगर ग्लाइडर्स है। अच्छा अच्छा, और क्या इनमें कलर आते हैं क्या? क्या नहीं सर, कलर आता है इनमें? नहीं ये व्हाइट है, ये प्योर व्हाइट है, ये तो एक्चुअली सेरेलेक खाने की वजह से अभी थोड़ा सा ये हो रही है। अच्छा अच्छा, लेकिन होते हैं फ्रेंड है ना ये, और फ्लाई भी करते हैं, इसलिए इनका नाम है शुगर ग्लाइडर है वही।
और ये भी लीगल है पालना, मतलब हर चीज लीगल जो आप दिखा रहे, बस एक बार रिमाइंडर के लिए बता देना चाहता हूँ वही। और कैसा है इनका प्राइस अपने पास? सही है, आपको आ जाएगी 13,000 में, ये फीमेल है। अच्छा, मेल आपको आ जाएगा 12,500 में। अच्छा, बहुत कम से कम दे रहे हो आप। हमने एक्सोटिक बर्ड्स दिखा दिए और यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं एक्सोटिक बर्ड्स, लेकिन एक्सोटिक बर्ड्स दिखा रहे हैं हम बड़ी वैरायटी जो कि हमने आज तक इस शॉप पर तो कभी नहीं देखी। देखो यहाँ पे लाया और कौन सा है? इक्लेक्टस है। अच्छा अच्छा, ये फीमेल है? ये फीमेल है। इक्लेक्टस में एक्चुअली कैसा होता है, फीमेल का कलर रेड रहेगा और मेल अगर आप लेंगे उसका कलर ग्रीन रहेगा। ये भी फीमेल है, ये 4 महीने की है। 4 महीने के। और मालूम है कि पूरे दुनिया में आप बोलते हैं कि सबसे ज्यादा टॉकेटिव बर्ड जिसको बोलते हैं वो यही है, 300 से भी ज्यादा बर्ड ये सीख लेता है ना? सीख लेता है। और बहुत होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस तो बहुत लो होता है कोई भी बर्ड का, क्योंकि ज्यादा इन्हें खिलाना पड़ता नहीं, बहुत ज्यादा नहीं खिलाना पड़ता। और ये भी विद पेपर मिलते हैं डीएनए के साथ में, कैसा है कि महंगे जो बर्ड रहते हैं वो डीएनए पूरे क्लोज रिंग्स है, आप देख सकते हैं पूरे क्लोज रिंग्स है। हां देखो, और ये बहुत जोर से बाइट करते हैं, लेकिन अभी टेम है इसे बाइट करेंगे भी तो भी कुछ नहीं, नहीं ये बाइट ही नहीं करेगा सर, ये तो हैंड फीड भी लेता है मुझसे, ये देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जो एक्चुअली ब्रीडर्स है वो समझ सकते हैं ये जो मैं हाथ ये कर रहा हूँ उसके बाद में वो जो बिल्कुल ये देखिए, ये नहीं अगर ये वाइल्ड रहते हैं तो इतना जोर से काटते हैं कि पूरी उंगली ये देखिए, ये देखिए वाओ बहुत सही। और साथ ही साथ में ये बताओ कि अब इनकी ब्रीडिंग लेकर थोड़ी हार्ड रहती है, लेकिन एक बार अगर इनकी ब्रीडिंग चालू हो गई तो फिर जिनकी यहाँ पे अगर ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो सोने पे सुहागा, लेकिन ब्रीडिंग एक्चुअली होने के लिए उनका फिर एज भी मैटर करता है, ये उतने साल के होना चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, अगर किसी में जिसमें पेशेंस है वही ये कर सकता है इसका ब्रीडिंग, या तो फिर आप ब्रीडिंग पेयर्स खरीदिए वाइल्ड में खरीदिए वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो भी मैं ये करवा दूंगा अगर किसी को लगे तो। बिल्कुल। और बाकी तो जैसे अगर आप डॉग्स पालते हैं कैट्स पालते हैं किस लिए कि हमारा स्ट्रेस रिलीव हो सके, तो बर्ड भी आप पालो ये भी हमें उतना ही वेलकम करेंगे एक्चुअली। और ये कैसे है, ये सब फ्री फ्लाइट्स है, आप अगर चाहिए आवाज दीजिए, रूम में रखिए आवाज दीजिए, आपके पास में उड़ के आते हैं डायरेक्ट। अच्छा, और यही अगर मान लो आप शॉप के बाहर गए तो भी रहते हैं, रहते हैं, लेकिन कैसे ये अभी तक फ्री फ्लाइट्स नहीं है। अच्छा, और मैंने चेक नहीं किया फ्री फ्लाइट, उड़ गया कहीं और नहीं आया वापस तो फिर प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ वेदर में। बिल्कुल। और ट्रेनिंग शुरू है अभी? हाँ, अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो ये है ग्रे पैरेट, ठीक है, इसका भी हम रिव्यू कर देते हैं प्राइस, मुझे प्राइस होकर आप बोलेंगे शॉप क्या रहेगी इसकी प्राइस? सर मैं दे दूंगा ये फाइनल 65,000 बताओ, या तो मैंने सुना है कि ये लाखों के भी ऊपर जाते हैं 65,000 ओनली, और भी अच्छी बात हो गई। और साथ ही साथ ये इक्लेक्टस आपको दे दूंगा मैं 80,000 में, क्योंकि होते हैं बहुत महंगे वो, और किसी को महंगा। सर ये फीमेल है, मेल इनमें थोड़े से सस्ते आते हैं, मेल ग्रीन कलर के रहते हैं, ये फीमेल है और फीमेल की फुल्ली टीम्ड है। अच्छा अच्छा, तो ये प्राइस में मुझे तो नहीं लगता कि ये आपको मिलेगी। अच्छा अच्छा, और मेल क्या फीमेल सस्ते आती है? हाँ, मेल सस्ता आता है। हाँ, क्या फीमेल रेड कलर में रहेगी, मेल जो है वो ग्रीन कलर में रहेगा। अच्छा अच्छा, जनरली कोई भी ब्रीड में हमेशा ऐसा होता है ना कि मेल महंगा होता है। हाँ, नॉर्मल नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अब आपको अफ्रीकन में भी अगर देखेंगे मेल्स आपको थोड़े से सस्ते मिल सकते हैं। अच्छा, फीमेल्स आपको थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ओके, चल मैंने आपको जो कॉस्टिंग बताया सर सिर्फ मेरा एकदम नहीं के बराबर मैंने अपना पैसा लगाया उसमें। यार ये बोल सकते हैं कि ये रेट में आप पर आपको कहीं जाओगे तो जी, और सुपर टेम है, सुपर टेम के बाद जी कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा सर, मुंह में हाथ डाल दीजिए आप। अच्छा, नहीं वो फीड मेरे हाथ से करना है, होशियार स्टेप डाउन ऐसे ट्रेनिंग होती है इनके। आपने कनर बहुत देखे होंगे, कनर भी देखे होंगे, सन कलर भी देखे होंगे और कलर भी देखे होंगे, लेकिन ये कलर मैंने कहीं नहीं देखा है। सर ये बहुत रेयर ब्रीड है, या बहुत ब्लू थ्रोटेड कनर्स है। ब्लू थ्रोटेड है ना? हाँ जी, ब्लू थ्रोटेड है। और देखो आईज क्या रेयर दिख रही है यहाँ पे, बहुत अट्रैक्टिव है ना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा बड़ा साइज है इनका। अच्छा, ये प्योर ब्रीडिंग पेयर है। बिल्कुल। और ये रेयर है तो नॉर्मल कनर से थोड़ा महंगा होगा ना? ऑब्वियसली सर, है ना। तो क्या प्राइस है इसकी? तो सर मैं ये आपको सिर्फ दे दूंगा 24,000 पेयर दे रहे हैं। बताओ बताओ, तो ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि कनूर में वो भी ऐसी वैरायटी और इतना रेयर, तो आप ले सकते हो। और इनकी ब्रीडिंग कैसी है ये बताओ? सर इनका ब्रीडिंग वही नॉर्मल, बाकी सारे कलर उसके जैसा ही है, सेम है। अच्छा। हाँ, बाकी सारी प्रोसीजर सेम है, सेम है, सिर्फ कलर अलग, सिर्फ कलर्स इनके जो है वो चेंज है। अच्छा। और लेकिन इनके कलर्स बहुत खूबसूरत है। अच्छा। ये आप देखेंगे कलर्स पूरे शरीर में अलग अलग कलर्स है, अलग अलग कलर्स है। देखो आप, तो अगर आप कनूर ही अगर आपको पालना है तो आपको कुछ रेयर लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आ सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। ये कौन सा कलर है? ये एक्चुअली ब्लैक कैप कनूर है। ब्लैक कैप, अच्छा, ये भी रेयर है, क्योंकि ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ।
और इनका भी सब सेम है, कनूर में जो है नॉर्मल कनूर जैसे रखते हो वैसा ही इनको रखो, ब्रीडिंग भी बहुत सेम है और साथ ही साथ सस्ते भी है। ये आपको आ जाएगा से 12,000 रुपए पे, 12,000 में। अच्छा, 12,000 में रेयर आपको कनूर अगर चाहिए हो तो फिर आप ले सकते हो, वही है। और देख सकते हो मेरे को खास करके ये लगा कि नेक में जो है वही, ये काफी बेस्ट है, तो आप आ सकते हो। क्या कहते हो इसको स्टार्टिंग में? ब्लैक कैप कनूर। ब्लैक कैप पे सन कनूर है अपने पास, सन कनूर, वाओ। और क्या है जो इनके सन कनूर ऑलमोस्ट ये 6 महीने के है, ये पूरे डीएनए मेल फीमेल कंफर्म मेल फीमेल है। अच्छा, देखो 6 महीने के है और डीएनए के साथ ही मिलेंगे क्योंकि ये भी बड़ी ब्रीड में ही आते, थोड़ा महंगे इसमें आता है वही, और कनूर से थोड़ी ऊंची क्वालिटी है, बस थोड़ा ये नॉइज ज्यादा करते हैं ना कनूर से, वही है। बाकी अगर आप इनको पालोगे तो यूज टू हो जाएंगे। सन कनूर का जो मजा है, अभी तक सन कनूर तो सबसे ज्यादा बिकने वालों में से बर्ड्स में से थे। आपके शॉप में ज्यादातर डिमांड होती है? जी, बहुत डिमांड है सन कनूर की, सबसे ज्यादा डिमांड थी क्योंकि लोगों को सन कनूर के अलावा बहुत कम कनूर पता थे, जैसे ग्रीन चीक हो गया, पाइनएप्पल्स हो गए, और हाईएस्ट अगर किसी को पता था तो सन कनूर पता था। सन कनूर जी, तो अपने पास क्या प्राइस है इसके? सर ये मेरे पास में आपको आ जाएंगे 18,000 पेयर में विद डीएनए, 18,000 पेयर विद डीएनए, ठीक है जी। और देखो नॉर्मल से इनका डाइट भी है, ये देखो यहाँ पे खिला रहे हैं सनफ्लावर सीड है ना जी, सनफ्लावर सीड्स है, मिक्स है उसमें बिल्कुल। और दिन में सिर्फ एक या दो बार पानी बदला हो जाता है, हर से दो बार तो पानी हम लोग बदलते हैं, बदला वही, और रोज पानी चेंज करना चाहिए, बस उतना ही मेंटेन करो और आराम से खुशी से रहते हैं। प्राइवेसी देना पड़ता है ब्रीडिंग के लिए ना? एग्जैक्टली, ब्रीडिंग के लिए इनको थोड़ा सा प्राइवेसी, तो आपको कोई भी कनूज हो आपको प्राइवेसी देना पड़ेगा आपको। अब मैं आ गया हूँ शॉप के बाहर, मुझे बताओ अपनी आपके शॉप में और क्या क्या है बताओ। सर नॉर्मली सारी चीजें जो भी चाहिए एक पेट शॉप में, आपको जो भी चाहिए हर चीज अवेलेबल है। ये बजीज है, बजीज भी आपको मिल जाएगी इसमें। हाँ। देखिए लॉन्ग टेल फिंचेस है, बहुत रेयर है सर। लॉन्ग टेल फिंचेस शायद ही आपको नागपुर में किसी के पास देखा नहीं, देखा मैंने आज तक कभी नहीं। गोल्डन फिंचेस है, गोल्डन फिंचेस है, ये भी बहुत रेयर है, ठीक है। यहाँ पे कलर्स आपको मिलेंगे, उसके बाद में ये रैबिट्स के बच्चे हैं, रैबिट्स है, ठीक है। और हेल्दी क्वालिटी में, अच्छे क्वालिटी में, ठीक है। ये गिनी पिग देख लीजिए आप, यहाँ पे आप गिनी पिग देखोगे आप। यहाँ देखिए आप ये जावा, जावा में सिल्वर जावा, व्हाइट जावा, ब्लैक जावा, कौन जावा, सारी तरीके की जावाज आपको मिल जाएगी, बहुत सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अभी हम बाहर आएंगे तो बाहर से ये अउल फिंचेस है, जो आपने शायद ही अभी तक किसी के पास देखे होंगे, बहुत काफी तो नहीं देखा मैंने। हाँ, और नीचे में सर ये स्टार फिंचेस है, स्टार फिंचेस, वाओ, ठीक है। और ये तो नॉर्मल जेब्रा फिंचेस, जेब्रा फिंचेस ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। ये ऊपर में आप जो है ये कॉपर टेल है, ओके। और अफ्रीकन लव बर्ड्स, अफ्रीकन, फिर आपको अगर हंस चाहिए तो हंस भी है बिल्कुल। उसके अलावा डक्स में ये मस्कोवी डक्स भी है, सादे डक्स भी है। अच्छा, और केजेस तो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, अंदर में पूरे लगे ही पूरे है। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डॉग फूड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ट्रीट्स मिलेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज मिलेगा भी है सर। अच्छा, अगर आपको बेड चाहिए, बेडिंग्स चाहिए, बेडिंग्स भी है, डॉग के हाउसेस वहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आपके पास छोटी ब्रीड है तो फिर आप हाउस तो बेटर है, हाउस भी ले सकते हैं, केजेस भी है, सारी चीज यानी आपको हर एक चीज एक शॉप में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको अगर एक्वेरियम का शॉप करते हैं तो एक्वेरियम की भी सारी मछलियाँ भी है, लेकिन अब आपको समय ज्यादा हो रहा है उस वजह से मैं आपको सारी चीजें बता नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में अपन दिखाएंगे बिल्कुल, जरूर बिल्कुल सर। मुझे सिर्फ आखिरी में ये बताओ कि किसी को भी अगर आपके शॉप में आना है तो यहाँ का एड्रेस क्या? सर ये पेट सेट ओम महल जस्ट यहाँ से 50-60 मीटर पे नितिन गडकरी जी का घर है। हाँ। नितिन गडकरी जी का घर भी पूछ के आप महल पे कहीं आए तो बस उनके घर से 50 मीटर पे आगे में मेरा शॉप बिल्कुल नागपुर की शान है जी, नितिन महल में। हाँ। और अपना फोन नंबर क्या? जी मेरा नंबर है 888-4508-88। ओके, आप अपने स्क्रीन पे भी डाल ही सकते हो बिल्कुल। और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होने वाली है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है जहाँ पे, लेकिन बसेस जाती है या ट्रेन जाती है वहीं तक के। कई जगहों पे ऐसा रहता है कि ट्रेन में अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे मैं तो अब, लेकिन जैसा बहुत सारी जगह मैक्सिमम जगहों पे तो हो जाती है, कोशिश करेंगे कि जितना हो सके पॉसिबल उतना अपन कर सके। हाँ। और जल्दी मिलेंगे ऐसे ही बिल्कुल। और नए चैनल को आप भी बोल दो सब्सक्राइब करने को, एक्चुअली आपके चैनल पे तो मेरे वैसे भी मैं स्टेटस में डालूंगा ही, तो आपके चैनल को जो भी आपके थ्रू अगर मेरे पास आता है, ये जितनी भी मैंने प्राइजेस बताया उसे और एक इसमें मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा, मैं सिर्फ आपके चैनल के लिए इतना कर देता हूं। पहले बोलना कि चैनल सब्सक्राइब कराए क्या कर रहा है। हां मैं पहले देखूंगा, सब्सक्राइब अगर किया है चैनल तो ही मैं आपको डिस्काउंट, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, 8,000 का मैंने जर्मन शेफर्ड बताया था, मैं 7,500 में दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने अगर ये जो भी यानी प्राइजेस बताया मैं हर एक प्राइस में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब और यहाँ पे आना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिलेगा और इनके
सारे डिटेल मिलेंगे, एड्रेस वगैरह सब चीज, तो यहाँ पे आना जरूर। और नेक्स्ट मंथ हम फिर से वीडियो बनेंगे पार्ट टू। बाकी वाला वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।